एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद गाजियाबाद के ब्लॉक मुरादनगर में स्थित पुनेड़ा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 18 किलोमीटर है। लगभग 3500 की आबादी व 1700 वोटरों द्वारा प्रवीण कुमार शर्मा को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 316 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर प्राइमरी पाठशाला में लगभग 302 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर, 50 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान के द्वारा गांव में 9 सीसी टाइल्स, रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 138 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स, रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट, बारात घर, खेल का मैदान, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रवीण कुमार शर्मा, गांव कुनेड़ा, ब्लॉक मुरादनगर, तहसील मोदनगर, जिला गाजियाबाद से। हमने अपने गांव में 13 सीसी रोडों का निर्माण कराया, 12 सादे ईंटों के खड़ंजे लगवाए और 9 इंटरलॉकिंग गलियों का निर्माण कराया है। इसके अलावा हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, इसके आंगन में खड़ंजा लगवाया है, उसमें फर्नीचर लगवाया है, स्कूलों में बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए फर्नीचर मंगवाया है, प्राइमरी स्कूल में पंखे लगवाए हैं, बिजली की फिटिंग कराई है और टंकी फिटिंग कराई है और गेट लगवाया है प्राइमरी स्कूल में। वहीं उसके साथ में ही आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया है, शौचालयों का निर्माण कराया है दोनों स्कूल में, जूनियर स्कूल में भी इंटरलॉकिंग कार्य कराया है, शौचालय नए बनवाए हैं और दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराई है, चित्रण कराया है, फर्नीचर लगवाया है जूनियर स्कूल में। इसके अलावा वृक्षारोपण किया है, बच्चों बाहर स्कूल के आंगन में जो है डेस्क लगवाई है जो बैठने के लिए बाहर भी, 138 पूरे गांव में शौचालय बनवाए गए हैं, 50 स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं और लगभग 2.5 साल में हमने 80 हैंडपंपों को मरम्मत कराया है, 6 हैंडपम्प रिबोर कराए हैं और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे एक दो जगह पुड़िया बनवाई हैं, चैनल लगवाए हैं और विधायक जी से भी हमने काम मांग रखा, उन्होंने हमें काम दिया है 200 मीटर का इंटरलॉकिंग कार्य, दूसरा सांसद जी ने भी हमें कार्य हमारा मंजूर होगा है। इसके अलावा हमने अपने 6 समिति ब्लॉक से 800 मीटर का खंडा लगवाया जो हमारे खेतों के लिए जाता है और काफ़ी भागदौड़ करने के बावजूद हमारा गांव सेंट्रल गवर्नमेंट की दीनदयाल उपाध्याय योजना जो बिजली की योजना है उसमें चयनित है, उसमें हमारे गांव में काम हो रहा है। इससे पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में हमारे गाँव था, उसमें पूरा काम नहीं हुआ, लेकिन अब दीनदयाल उपाध्याय योजना में हमारा गाँव है, इसमें हमें 4 ट्रांसफार्मरों की ज़रूरत है गांव के अंदर और लगभग 30 पोलों की ज़रूरत है, 30 खंभों की ज़रूरत है। बहुत सी जगह कहीं 1 और 2 तार है गांव में जिससे सप्लाई ठीक नहीं मिल रही है लोगों को और कहीं कहीं बिजली भी नहीं है। 2 कॉलोनी हमारे गाँव में नई है, जो नई आबादी है उसमें अभी बिजली नहीं लगी है, हमारे खूब भाग दौड़ कर ली हमने लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा निवेदन है सरकार से, अधिकारियों से, प्रशासन से कि हमारे बिजली की समस्या पे गंभीर रूप से ध्यान दें। दूसरी बात, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, कोई डिस्पेंसरी वगैरह हमारे यहाँ नहीं है, अचानक कोई बीमार हो जावे तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी हो जाए, यहाँ से अचानक एकदम कोई बीमार हो जाता है तो मोदनगर या मुरादनगर ही ले जाना पड़ता है, तो ये हमारे यहाँ बहुत भयंकर समस्या है।
यातायात के हमारे यहाँ समस्या है बहुत तगड़ी। माननीय विधायक जी के सहयोग से हमारे यहाँ लगभग 20 दिन पहले से एक बस लगी है रोडवेज की, जिसका सुबह 6:30 बजे का पहला चक्कर है, जो कि गांव के लिए सुटेबल नहीं हो पा रहा। ज़्यादा सवेर निकल जाओ शाम को आ जाए तो उसका कोई ऐसा ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा गाँव के लोगों को। तो ऐसी हमारे गांव की बस नंबर सबसे भयंकर समस्या है। हिंडन नदी की वजह से हमारे गांव का पानी जो है खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है। हम खूब रिबोर भी करवा रहे हैं, दो हैंडपम्प हम अपने विधायक जी से भी लगवाए नए, लेकिन वे भी ठीक रूप से नहीं चल रहे हैं। तो ये हमारे गांव की समस्या और विकास कार्य कुछ प्रखंडों पर लाइन आ रही है यार, ये भी कहा है अगले गांव की आबादी के ऊपर कुछ झज्जर लाइन हो रही है 11,000 की, और हमारे गांव में काम भी चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत, उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। इस योजना के तहत तो कम से कम जब सरकार का पैसा लग रहा है तो गांव की जनता के और प्रधान के सहयोग से उनके सलाह मशवरा से वो काम हो जाए तो बड़ा अच्छा है, जिससे गांव की जनता को सरकार के लगाए हुए पैसे का पूरा पूरा लाभ मिले। 2 साल हो गए हमारे गांव के कुछ गरीब आदमी हैं जिनके 15 साल पहले गांव की भूमि प्रबंधक समिति ने उन्हें पट्टे अलॉट किए थे, लेकिन अभी वे भूमिधर नहीं हो सके हैं। 2 साल से हम बराबर तहसील के चक्कर काट रहे हैं, मैं भी इनके साथ हूँ जो हमारे गांव के गरीब आदमी जिन्हें पट्टे मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, उसके लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से प्रस्ताव होकर चला जा चुका है, कम से कम 3 माह हो गए, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तहसील प्रशासन की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। हमारे गाँव का कम से कम 1,000 बीघे का रकबा खराब हो रहा है। अगर हमारे गांव के जिला स्तर पर प्रशासन ये सोचे या सिंचाई विभाग कि इसका इंतजाम हो जाए, हिंडन नदी ऐसे चल रही है तिरछी बन के होगा, जो उपजाऊ जमीन है गांव की वो सारी नष्ट भ्रष्ट कर रखे हिंडन नदी के, उसका कोई बांध वगैरह बन जाए सिद्धि हो जाए तो गांव को उसका लाभ मिले, जमीन जो है वो बच जा, उपजाऊ जमीन है और एक सीमित क्षेत्र में वो नदी होकर गुजरे,